सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने का चाहे जितना ढिंढोरा पीट ले, सतरंगी पोस्टर चाहे जितने छपवा ले, लेकिन धरातल पर ये तमाम सरकारी कवायदे महज छलावाई साबित हो रही। आज हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा सरकारी प्राथमिक या उच्च विद्यालय है ही नहीं जहाँ सरकार द्वारा स्वीकृत पद के अनुसार शिक्षक मौजूद हो। पर इससे भी बदहाल या बदनसीब विद्यालय में से एक है देवगढ़ जिला अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय हरिजन कॉलोनी मधुपुर, जहाँ करीब 125 गरीब दलित बच्चों का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है, क्योंकि इनके पठन पाठन मध्यान्ह भोजन सहित विद्यालय के तमाम प्रशासनिक कार्यों का दायित्व निर्वहन के लिए एकमात्र शिक्षक सुरेश चंद्र मेहरा के कंधों पर है। 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है, जिसमें के 112 छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, एक शिक्षक है, पारा शिक्षक भी नहीं है, तो पठन पाठन में काफ़ी कठिनाई हो रही है। मध्याह्न भोजन भी चलाना पड़ रहा है हमी को, सरकारी कार्य को जितना रिपोर्ट है वो भी करना पड़ता है हमी को। तुम्हारे स्कूल में कितने शिक्षक हैं? एक। तो क्या तुम लोग वो सही से पढ़ा पाते हैं? जी नहीं। तो शिक्षक की कमी से तुम लोग को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हम लोग सर 5 क्लास से तो उधर ही जाता है और नहीं होता है तो हम लोग को भेज देता है। हम शिक्षक को लाने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर, उपायुक्त महोदय देवघर, प्लस क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी मधुपुर को लिखित आवेदन दे चुका हूँ और प्रखंड विकास प्रसार पदाधिकारी मधुपुर को 2-3 बार लिखित दिया और रिक्वेस्ट किया, सर किसी को नहीं यदि शिक्षक मिलता पारा को भी डिप्टेशन कर दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, क्या टाल मटोल करके हमको पार कर दे, कहता हाँ कर देंगे। कि यहाँ जो है टोटल जितने बच्चे 112 हैं, जिसमें कि 95% हरिजन दलित वर्ग के ही बच्चे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं, ये भी आवेदन में मैंने लिख करके दिया था। एक ही शिक्षक वहाँ है, बात सही है, गुरु गोष्ठी में शिक्षक के द्वारा हमें जानकारी दी गई थी, ऐसे हमको भी जानकारी है, तो वहाँ पर अभी तत्काल किसी शिक्षक का प्रतिनियोजन करने की बात हो रही है, अगल बगल में खोज की जा रही है, कोई शिक्षक यदि मिलते हैं तो वहाँ पर प्रतिनियोजन कर दिया जाएगा। गत 2 सालों से यहाँ के ग्रामीणों व शिक्षक श्री मेहरा द्वारा लिखित रूप में विभाग के आला अधिकारियों को विद्यालय में शिक्षक की कमी की समस्या से अवगत कराया गया है, बावजूद इसके गरीब दलित बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जारी है। मैं मुकेश सजग, झारखंड के देवघर जिला का इंडियन हट के लिए।